हेलो दोस्तों, मैं देव सानी स्वागत करता हूं आप सभी का देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31S के टेम्पर्ड ग्लास का। यहां दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले जो है सैमसंग गैलेक्सी M31S को बाय किया था अमेजोन से, जो कि ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है सैमसंग का। तो मैंने इसको बाय किया था, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फ़ोन के साथ आपको टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर नहीं मिलता है, तो आपको अलग से बाय करना होगा। तो मैंने इसका बैक कवर भी बाय किया था, तो इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपको वीडियो देखनी तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, और मैंने सैमसंग गैलेक्सी M31S का अनबॉक्सिंग वीडियो भी अपने चैनल पर डाला था, उसकी भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैंने जो है सैमसंग M31S का स्क्रीन गार्ड भी बाय किया है, ताकि जो है मेरे फोन का जो स्क्रीन है वो स्क्रेचेस से सेफ रहे। तो दोस्तों अगर आप भी सैमसंग M31S को बाय किए हैं, या आप उसका जो है टेम्पर्ड ग्लास या बैक कवर या जो है स्मार्टफोन कुछ भी बाय करने के लिए सोच रहे हैं, तो सारे लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके आप इसका स्क्रीन गार्ड, बैक कवर या खुद ही स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से जाइए वीडियो के नीचे लिंक, वहां पे क्लिक करके बाय कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S के स्क्रीन गार्ड का। तो आप मेरे हाथों में देख सकते हैं कि ये बॉक्स है सैमसंग गैलेक्सी M31S के स्क्रीन प्रोटेक्टर का। तो यही है वो बॉक्स है दोस्तों जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे इस बॉक्स का, और आपको दिखाएंगे कि ये टेम्पर्ड ग्लास कितना अच्छा क्वालिटी में है, और इसका जो पैकिंग मुझे काफी अच्छा लगा है। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S के स्क्रीन प्रोटेक्टर की अनबॉक्सिंग वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सैमसंग M31S का स्क्रीन गार्ड का ये बॉक्स है, जिसको कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। लेकिन मैंने इसके पैकेट को ओपन कर पहले ही चेक कर लिया था कि इसके अंदर जो है जो स्क्रीन गार्ड मैंने बाय किया है अमेजोन से, वो सेफ और सुरक्षित मेरे पास आया है कि नहीं। तो ये काफ़ी सेफ और सुरक्षित है, और इसका बॉक्स देख सकते हैं कि आप कितना मोटा जो है दिया गया है, ताकि ये प्रोटेक्ट रहे और ये टूटे फूटे ना, क्योंकि काफ़ी पतली सी लेयर होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वी हैव गॉट यू कवर्ड, मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो है इस ग्लास के अंदर हमको देखने को मिलेगी। NH हार्डनेस है, एंटी फिंगरप्रिंट है, स्मूथ टच है, और यहाँ पे 2.5D कर्व एज है, और HD क्लियरिटी आपको मिलेगी, बबल फ्री है। मतलब अगर आप इसको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लगाते हैं तो वहाँ पे आपको बबल देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जंप स्टार्ट के स्क्रीन प्रोटेक्टर के बॉक्स को ओपन करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि जो मैंने अपने सैमसंग M31S के लिए जो स्क्रीन गार्ड को मंगाया है, वो इसके अंदर देखने में कैसा मिलता है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टेप चिपकाकर जो इसको सील किया गया है, तो हम यहाँ से इसके टेप को हटा देते हैं। टेप को हटाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बुक की तरह, मतलब जो किताब होती है उसकी तरह जो है इसका कवर दिया गया है। काफ़ी अच्छे से इसके बॉक्स को जो है बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की आपको एक फोम की कवरिंग मिल जाती है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा आपको जगह मिल जाती है जिसमें कि आपका ये स्क्रीन गार्ड रखा गया है। और आपको यहाँ पे दोस्तों जो लेफ्ट साइड में इसका जो कवर का बैक साइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जंप स्टार्ट का ब्रांडिंग किया गया है। और यहाँ पे रीड केयरफुली बिफोर यूज, मतलब आप इसको यूज करने से पहले जो है अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, तो आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से घर पर ही अपने जो है स्मार्टफोन के ऊपर जो है इस स्क्रीन गार्ड को बहुत ईजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आप स्क्रीन गार्ड को अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड जो है हमारा स्क्रीन गार्ड रखा गया बीच में, तो इसको निकाल लेते हैं, और ये रहा स्क्रीन गार्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ें और मिल जाती हैं, इसको हम लेफ्ट साइड में रख देते हैं। ये जो है एक पतला सा जो है हमको पेपर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने स्क्रीन को जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये माइक्रो क्लॉथ इसको बोल सकते हैं, जिससे कि आप छोटे छोटे से जो भी कड़ रहते हैं डस्ट के, उसको भी हटा सकते हैं अपने स्क्रीन से। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं, इसका यूज कर हम आपको अभी दिखाएंगे, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइप्स, मतलब कि इसकी मदद से जो है आप अपने जो है स्मार्टफोन के स्क्रीन को जो है ये ड्राई है और ये वेट है, मतलब इसकी मदद से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ नहीं है, खाली हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर हमको तीन चीज़ें मिली हैं। पहला है स्क्रीन गार्ड जो कि कवर कर रखा गया है, और यहाँ पे दूसरा है ये पेपर है, जिसकी मदद से हम जो अपने स्क्रीन स्मार्टफोन के स्क्रीन को पहले क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर जो है दो तरह के जो यहाँ पर वाइप्स मिले हैं, मतलब कि आप एक ड्राई है और एक वेट है, इसकी मदद से आप जो अपने फ़ोन के स्क्रीन को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, अब आपको स्क्रीन गार्ड को दिखा देते हैं। तो ये जो है हमारे सैमसंग M31S का जो है स्क्रीन गार्ड है, तो ये जो एक फोम में रखा गया, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है स्क्रीन गार्ड है हमारे स्मार्टफोन सैमसंग M31S का 11D, यहाँ पे जो है लिखा गया है
फॉर सैमसंग M31S आपको यहाँ पे दिख जाएगा लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर सैमसंग M31S। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रहा सैमसंग M31S का स्क्रीन गार्ड, जिसको कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। इसकी प्राइस जो है मैंने आपको नहीं बताया, तो आप लिंक दिया हूँ मैं वीडियो के नीचे, वहाँ पे क्लिक करके आप इसकी प्राइस को चेक कर सकते हैं और अमेजोन से जो है बाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने सैमसंग M31S के लिए बाई किया था, तो इसका लुक और डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये जो है फुल फ्रेमिंग है दोस्तों, मेरा जो स्मार्टफोन है आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रेम है इस पर जो है फुल फ्रेमिंग लगेगा, मतलब इस तरह से ये लगेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है ऑरेंज ऑरेंज क्यों दिख रहा है, मतलब इस मैं पेपर को निकाल दूंगा तो ये काफ़ी क्लीन दिखेगा, लेकिन ये फुल फ्रेमिंग है तो ये स्मार्टफोन के ऊपर फुल टू फुल जो है फिट होगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे जो है आपके फ़ोन के स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से मुझे इस बॉक्स में मिला था, तो मैं अब आपको इसको अपने स्मार्टफोन के ऊपर लगा कर दिखाऊंगा कि आप इसको अपने स्मार्टफोन के ऊपर कैसे लगाएंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। दोस्तों इसको लगाने से पहले आपको इसका कवर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये फुल फ्रेमिंग जो है स्क्रीन गार्ड है, तो हो सकता है कि आपके बैक कवर की वजह से इसको आपके फ़ोन के स्क्रीन पर लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो, तो बैक कवर को आपको निकाल कर ही स्क्रीन गार्ड को लगाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट रहता है, तो इसको आपको क्लीन कर लेना चाहिए। ये जो पेपर मिला इसकी मदद से आप इसको क्लीन कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से जो है आपके स्क्रीन को जो है क्लीन कर देगा। तो ये जो है ड्राई पेपर मैंने उसमें से निकाला है, जो कि दो छोटे छोटे मुझे पाउच मिले थे उसमें से मैंने इसको निकाल लिया है, और इससे जो है आपके स्क्रीन को अगर आप क्लीन करेंगे तो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर जो है कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा और आपका फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन के स्क्रीन पर स्क्रीन गार्ड को लगाने से पहले आपको स्क्रीन को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। दोस्तों जब आपको लगे कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पूरी तरह से क्लीन हो गई है, यहाँ पर कोई भी डस्ट का कण नहीं दिख रहा है, तो आप जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर को यहाँ पर लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो बॉक्स के ऊपर आपको जो स्टेप बताया गया था उस स्टेप को फॉलो करके यहाँ पे आप स्क्रीन गार्ड को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन गार्ड को लगाकर दिखा देता हूँ। ये क्लीन हो चुका है, मैं आपको इसको नीचे रख देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा सैमसंग M31S का स्क्रीन गार्ड। अब इसके प्लास्टिक के पन्नी को हम हटा देते हैं जो कि इस पर चिपकाया गया, तो आप इसको पकड़ कर धीरे धीरे खींचेंगे तो ये जो है हट जाएगा यहाँ से। इसको हटाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि सैमसंग M31S के ऊपर जो है इसको काफ़ी अच्छे से सेट करना है, जो कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ के कॉर्नर को आपको अच्छे से यहाँ पे फिट करना है, चारों तरफ के कॉर्नर को आपको अच्छे से यहाँ पे फिट करना है अपने स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए फिट करते हैं इसको। अगर दोस्तों अच्छे से ना लगे तो इसको एक बार और निकाल कर आप जो है इसको काफ़ी अच्छे से जो है इसको फिट कर सकते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर। जब आपको लगे कि चारों तरफ के कॉर्नर जो अच्छे से लग चुके हैं, तो आप इसको जो है बस एक तरफ से लगाकर धीरे से दबा देंगे, ये अपने आप जो है चिपक जाएगा आपके स्क्रीन के साथ। आप यहाँ पर दबा देंगे, धीरे धीरे जो है आपके पूरे स्क्रीन को जो है कवर कर लेगा, चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एयर अपने आप निकलते जा रहा है और जो है ये चिपकता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से जो है चिपक गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे जो है स्क्रीन का जो स्क्रीन गार्ड था वो जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है चिपक चुका है काफ़ी सेफ्टी से, और ये जो है फुल फ्रेमिंग था तो ये जो है मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। इस तरह से दोस्तों आप भी जो है घर पर ही स्क्रीन गार्ड को ऑनलाइन बाई करके जो है इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एयर है तो ये कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर निकल जाएगा। अभी ये मैंने नया लगाया तो अभी जो है यहाँ पर एयर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने सैमसंग M31S को बाई किया था अमेजोन से, और इसके मैंने टेम्पर्ड ग्लास को भी बाई किया, मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है इसका, ताकि स्क्रीन पर कोई स्क्रैचेस ना आए, और इसके जो है मैंने बैक कवर को भी बाई किया था बैक पैनल को सेफ रखने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बैक कवर है जो कि मैंने ट्रांसपेरेंट मंगाया था, क्योंकि इसका जो कलर इतना अच्छा दिया गया है, आप मिराजे ब्लू कलर यहाँ पर मिक्स किया गया है, तो इस कलर को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो है बैक कवर को बाई किया था, और यहाँ पे मैंने स्क्रीन गार्ड को भी बाई कर लिया। तो दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ सैमसंग M31S की बाई करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसके स्क्रीन गार्ड को या स्मार्टफोन या जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर को या आप बैक कवर को बाई कर सकते हैं अमेजोन से। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे जो है अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर जो है स्क्रीन गार्ड को लगाएंगे और आपके फ़ोन के लिए कौन सा स्क्रीन गार्ड जो है काफ़ी बेस्ट रहेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो पंच होल कैमरा दिया गया है बीच में, इसको भी ये कवर कर लेता है,
मतलब जो आपका सेल्फी कैमरा है इस पर भी अब स्क्रैचेस नहीं होंगे। ये फुल फ्रेमिंग जो स्क्रीन गार्ड है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको जो है अपने फ़ोन के सेफ्टी के लिए मंगाया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।